नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रीवा अंशिका मिश्रा पिता ज्ञानेंद्र मिश्रा 12वीं में गणित संकाय में प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया। वे शिक्षा इंटरनेशनल स्कूल नीम चौराहा की छात्रा हैं। उनके इस उपलब्धि पर उन्हें इस श्रेय परिवार व गुरुजनों को दिया। आइए जानते हैं उन्हीं से इस उपलब्धि हेतु उनके प्रयासों को। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मेहनत करनी पड़ी इस मुकाम तक पहुँचने? मुझे मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी और मतलब बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई की और मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मैं आज इस मुकाम पे हूँ। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मैं डेली 10 घंटे पढ़ाई करती थी और एग्ज़ाम के टाइम पे 16 आवर्स पढ़ाई करती थी। क्या उम्मीद थी आपको कि आपके यही रैंक आएगा? मुझे ये लगता था कि मैं मेरी स्टेट पे रैंक आएगी, बट फर्स्ट आएगी ये नहीं सोचा था। आगे क्या बनने की इच्छा है? मैं UPSC का एग्ज़ाम दूंगी और IAS बनना चाहती हूँ। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स को और मेरे डायरेक्टर डॉक्टर के मिश्रा को देना चाहती हूँ। आपने मैथ संख्या IAS बनना है तो आर्ट भी चुन सकती थी, कोई और विषय बाकी तक मैथ क्यों? इनिशियल से मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट था और मुझे लगता है कि UPSC के लिए सिर्फ आर्ट सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है, हम मैथ से भी उसमें बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर फार्मर हैं। परिवार का कितना सपोर्ट रहा? मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्हें मुझ पर बहुत ज़्यादा बिलीव था। और बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना 100% दीजिए, मेहनत कीजिए और जो रिज़ल्ट आएगा वो अच्छा ही आएगा। आपको